व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है, हर व्यक्ति का यह स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है कि हर क्षण कुछ न कुछ इच्छा हमारे अंदर उठती ही रहती है, हाँ कि नहीं? इवन आप इस सभा में भी बैठे हो ना, यहाँ भी इच्छाएं उठेंगी। ये अब जल्दी ख़त्म हो, जल्दी शुरू हो, भक्ति ये वाली हो जाए, अच्छा ध्यान इस प्रकार का प्रभु करा दे, कहीं ना कहीं यहाँ भी हमारी डिज़ायर्स उठती ही जा रही हैं। संसार क्षेत्र में तो है ही है। हैव यू एवर नोन दिस थिंग दैट योर लाइफ इज नथिंग बट द बंच ऑफ डिज़ायर्स, स्मॉल बिग मीडियोकर डजंट मैटर, बट देयर इज ऑलवेज अ फ्लो ऑफ डिज़ायर। हैव यू एवर थॉट द कॉज ऑफ दिस डिज़ायर? क्या तुमने कभी सोचा डिज़ायर्स का कारण क्या है? हमें किसी भी वस्तु की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि डिज़ायर इज़ द ओनली गाइडिंग फोर्स ऑफ योर लाइफ। जब तक डिज़ायर नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ोगे भी कैसे? फर्स्ट आना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, अधिक प्रॉफिट करना है, बेस्ट भक्ति गानी है, बेस्ट सेवा करनी है, ये सब भी डिज़ायर्स हैं डेफिनेटली। लेकिन ये डिज़ायर्स उठती कहाँ से हैं? हाउ डज इट गेट अप इन टू योर एग्जिस्टेंस? ये आती कहाँ से है, ये इच्छाएं कामनाएं डिजायर्स? भीतर कहीं अतृप्ति का भाव है, देयर इज सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट विद इन योर सेल्फ। और ये सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट क्या है? हम खोज किसे रहे हैं, कल से याद रखना, हम हैप्पीनेस को खोज रहे हैं, इटर्नल एंड इनफाइनाइट। और वो इटर्नल और इनफाइनाइट हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही, इसलिए भीतर का कोई स्तर सदा असंतुष्ट है, सदा के लिए अतृप्त है। चूंकि भीतर कहीं निरंतर अतृप्ति है, अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डिसकंटेंटमेंट, अनसेटिस्फैक्शन, असंतोष चूंकि निरंतर सतत बहता जा रहा है, इसलिए उस गड्ढे को पूरा करने के लिए हम बाहर कहीं ना कहीं भागते जा रहे हैं। डिज़ायर का स्वरूप समझो, भीतर है जो कुछ अतृप्त है, भीतर है एक गड्ढा, उस भीतर के गड्ढे को भरने के लिए बाहर में कभी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, कभी व्यक्तियों का संग्रह करते हैं, कभी परिस्थितियों का संग्रह करते हैं, और हमें लगता है वो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति का संग्रह करने से भीतर का गड्ढा भर जाएगा। यदि भरना होता तो अब तक ना भर जाता। यदि भरना होता उस गड्ढे को, उस अंदर जो पिट है, अंदर एक देयर इज अ पिट ऑफ डिसकंटेंटमेंट विद इन ऑल ऑफ अस, चाहे कितना भी पालो इस दुनियावी जगत के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर, लेकिन फिर भी भीतर एक असंतोष चालू रहता है। और वो असंतोष किस चीज का है? नॉट फाइंडिंग इटर्नल इनफाइनाइट हैप्पीनेस। जिस क्षण तुम्हें वह इटर्नल एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस क्लिक हो गई अंदर से, क्लिक, इट इज जस्ट स्ट्राइकिंग द राइट कॉर्ड, जिस दिन तुम्हें वह क्लिक हो गई, द राइट कॉर्ड इज बींग स्ट्रिकन, उसी क्षण ये भीतर का गड्ढा भरना शुरू हो जाता है। और जब भीतर का गड्ढा भरना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति बाहर जो भाग रहा था वो भागना बंद हो जाता है। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ फुलफिलमेंट विद इन अस, डू यू एग्री और नॉट? द स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ अनफुलफिलमेंट इज बेसिकली स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट जो नहीं है हमारे में। स्पिरिचुअल अनफुलफिलमेंट यानी इटर्नल एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस जो हम सब ढूंढ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस अभी नहीं हुई, इसीलिए हम उसको भरने के लिए क्या, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो वस्तुएं इकट्ठी करो, या व्यक्तियों को इकट्ठा करो इन द फॉर्म ऑफ कंपेनियंस, या फिर परिस्थितियों को इकट्ठा करो इन द फॉर्म ऑफ एनी सिचुएशंस। कुछ ना कुछ तुम इकट्ठा कर रहे हो, डू यू एग्री और नॉट? इकट्ठा करना गलत नहीं है, लेकिन स्वरूप समझो कि तुम इकट्ठा क्यों कर रहे हो। ये इकट्ठा इसलिए कर रहे हो क्योंकि भीतर कुछ अतृप्ति है, भीतर एक गड्ढा भरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन भीतर का गड्ढा बाहर की चीज़ों से नहीं भरता। बाहर का गड्ढा बाहर की चीज़ों से भरेगा? तुम्हारे पेट में गड्ढा पड़ता है, जब भूख लगती है गड्ढा पड़ता है ना, अंदर हो जाता है पेट, गड्ढा पेट में जो गड्ढा पड़ा है, बाहर बारिश हो जाए उसे भर जाएगा, बाहर बढ़िया से बढ़िया भोजन सजा कर रख दो उसे भर जाएगा,
बेस्ट, जितना भी बेस्ट भोजन हो सारा बाहर सजा के रखो, भीतर का गड्ढा भर जाना चाहिए. तुम कहोगे नहीं प्रभु, ये पेट का गड्ढा भरने के लिए भीतर की वस्तु को बाहर की वस्तु को भीतर जाना होगा. इसी प्रकार अनादि काल से, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, तुम्हें पता भी नहीं है, तब से भीतर एक गड्ढा है स्पिरिचुअल अनफुलफिलमेंट का. एंड दैट स्पिरिचुअल अनफुलफिलमेंट, दैट इज बेसिकली इटर्नल और इनफाइनाइट हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे उसका है. अब उसको हम पूरा करने जाते हैं वस्तु व्यक्ति स्थिति से, लेकिन कल ही हमने बोर्ड पर देखा था, वी रूल्ड आउट, वस्तुओं से नहीं मिलती, परिस्थितियों से नहीं मिलती, व्यक्तियों से नहीं मिलती, वो कहाँ मिलती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही. वो जो स्टेट ऑफ ब्लिस है, वो जो स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट है, वो हमें हमारे भीतर ही मिलती है. लेकिन चूंकि वो नहीं मिली, इसलिए हमारे थॉट्स कहाँ भाग रहे हैं, भौतिक संसार की तरफ, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ.